हेलो बच्चों, आज हम पद्य खंड में कविता कब चढ़े हम पिदा पढ़ने वाले हैं। और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं कैफी आजमी जी। और इस कविता के अंदर उन्होंने देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में ये कविता लिखी गई है। साथ ही उन्होंने ये युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म जो हकीकत फिल्म है उसके लिए जो ये कविता लिखी गई है। और इसमें जो आए कठिन शब्द हैं ये देखिए, पहले फिदा यानी कि बलिदान, इन शब्दों को अर्थ देखिए। बांकपन मतलब जवानी का जोश, कुर्बानी बलिदान, जश्न खुशी मनाना, दामन आंचल, खून खून खून, रुस्वा बदनाम, जिंदा जीवित, इश्क प्रेम, रुत मौसम। साथ ही इस कविता में बच्चों सैनिकों की मनोदशा का भी वर्णन किया गया है और देश रक्षा के प्रयासों का वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। साथ ही हिमालय हमारे मान सम्मान का किस प्रकार प्रतीक है ये भी हमें बताया है लेखक ने। जो सैनिक जो है वो युद्ध भूमि में जो कुर्बान हो रहे हैं, अपने बलिदान दे रहे हैं, उन्होंने अपने अन्य साथियों से और देशवासियों से कुर्बान होने के लिए, यानी कि देश के लिए कुर्बान होने के लिए ये प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्हें आग्रह किया है। और साथ ही अपने बलिदान, जो अपना बलिदान दिया है उनके रूप में भी उनका इसका आभास उनको करवाया है। साथ ही वो कहते हैं कि देशवासियों में जितने भी सैनिक हैं उन्होंने विषम परिस्थितियों में, यानी कि विषम परिस्थितियां होती हैं, यानी चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कितनी भी बर्फ पड़ी हो, तो इस परिस्थितियों में भी उन्होंने जो है वो अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं हुए हैं। और इस स्थिति में भी उन्होंने देश में कुर्बानी देने के लिए हमेशा ही तैयार रहे हैं। तो बच्चों, जो देश के सैनिक हैं वो दूसरे सैनिकों को भी ये इस चीज़ के लिए आग्रह कर रहे हैं कि तुम भी अब जो है अब हमारे देश की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लो। और उन्होंने कभी भी अपने देश के अंदर हिमालय का सिर नीचे नहीं होने दिया है और उसके मान सम्मान के लिए हमेशा ही तैयार रहे हैं और उसका सिर कभी झुकने नहीं दिया। और इसी तरह तुमने भी सैनिकों हमारे हिमालय का जो मान सम्मान है उसको बनाए रखना है, उसका सिर कभी भी झुकने नहीं देना है। बच्चों, साथ में कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो कुर्बानियों का राह है उस पर हमेशा जश्न हम मनाते रहना चाहिए, वो राह कभी भी सुन्नी नहीं होनी चाहिए और उन रास्तों पर जो उत्सव है वो हमेशा मनाते रहना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जो देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तुम्हें तैयार रहना चाहिए। और हमने तो अपना जो काम किया है, हम तो जो है अब मौत को गले लगा लिया है, अब हम जो जा रहे हैं अब तुमने ही हमारे देश की रक्षा के लिए अपने ऊपर सारा कार्यभार ले लेना है। साथ ही यहाँ पर कहते हैं कि खून की एक लकीर खींच देनी चाहिए जिससे कि कोई भी दुश्मन या शत्रु जो है हमारे देश के अंदर ना प्रवेश कर सके और अपने देश की रक्षा करने के लिए तुम्हें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। कहने का फिर यहाँ पर अभिप्राय है कि देश की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना चाहिए और कोई भी जो रावण है हमारे देश में प्रवेश ना कर सके, यानी कि कोई शत्रु जो हमारे देश में ना आ सके। ये खून में नहाई हुई जो धरती है वो एक दुल्हन की भांति है और इस दुल्हन के आंचल को कोई भी छूने ना पाए, तो इस तरह से तुम्हें हमेशा ही उसके मान सम्मान और रक्षा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। और जिस तरह हमने जो कुर्बानियां की हैं और हमारे जो साथ सैनिकों ने कुर्बानियां की हैं, अब तुमने भी इसी तरह हमारे साथियों कुर्बानियों के लिए तैयार रहना है। साथ ही यहाँ पर जो कवि हैं सैनिकों से ये भी आग्रह करते हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार से जो रावण को अंदर आने के लिए जो एक लक्ष्मण रेखा जो खींची गई थी राम जी के द्वारा, और तुम्हें भी इस तरह जो लक्ष्मण रेखा है खींच देनी चाहिए जिससे कि कोई भी शत्रु अंदर ना सके। अब तुम ही जो इस देश के लिए राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो और इस धरती माता के मान सम्मान के लिए कोई भी शत्रु जो है हमारे देश में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना है और अपने देश की कुर्बानी करने के लिए जो है हमेशा ही तत्पर रहना है। तो इस तरह से कभी दोबारा फिर हमें इसी चीज़ के लिए कहते हैं कि सैनिकों, हम तुम्हें आग्रह करते हैं कि जिस तरह से हमने अपने जीवन को मौत को गले लगाया है, अब तुम्हारी बारी है कि तुमने ही सब कुछ अपने देश के लिए अब न्योछावर करना है। तो बच्चों, इस तरह आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा
कि इस कविता में कैफी आजमी जी ने कर चले हम फिदा कविता के अंदर देशवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में ये कविता लिखी है, जिससे कि देशवासियों में उसके सैनिकों के लिए एक जज्बा, ऐसा जज्बा और ऐसा जोश भर जाता है जिससे कि अपने देश की रक्षा करने के लिए वो हमेशा ही तत्पर रहें। और हमारे देश में हिमालय पर्वत जो हमारे मान सम्मान का एक प्रतीक है, उसकी रक्षा के लिए वो हमेशा ही तैयार रहें। धन्यवाद।